उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, दीक्षित जी, मानद उपाधि से सम्मानित प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी और देश में मिसाइल वेमन के नाम से विख्यात डॉक्टर टेसी थॉमस जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी पदक विजेताओं, शिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। ये स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति होने के नाते मेरे लिए हर प्रदेश उतना ही महत्व रखता है जितना अपना प्रदेश, लेकिन फिर भी अपने प्रदेश में आना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना और वो भी अपनी मातृभूमि वाला प्रदेश कितना सुखद हो सकता है, इसकी मैं कल्पना आज यहाँ आप सबके सामने कर रहा हूँ। ये सच है कि जिसका उल्लेख किया, मैं भी इस विश्वविद्यालय से मुझे स्नातक की डिग्री प्राप्त हुई थी। उस समय मैं कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज में था। ये वर्ष 1967 की बात है जब मैंने बीकॉम पास किया था। उस समय इस विश्वविद्यालय का नाम आगरा विश्वविद्यालय था। उसके पश्चात कानपुर विश्वविद्यालय अलग हो गया। जब मैंने लॉ पास किया तो मुझे लॉ की डिग्री जो है वो कानपुर विश्वविद्यालय से मिली, लेकिन यहाँ आने से पूर्व मैंने राज्यपाल महोदय से ये तथ्य साझा किया था। उनको भी लगा कि नहीं, मैं इसका उल्लेख करूँगा, लेकिन ये बात स्वाभाविक है। अपने विश्वविद्यालय में आना और वो सब पुराने जो स्मृतियाँ थीं वो बिल्कुल तरोताज़ा हो गई, कि जब ये लगता था कि कानपुर से डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको आगरा जाना है, आगरा आए, डिग्री हासिल की। लेकिन वो कुछ स्मृतियाँ हैं जिनको मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, सुखद स्मृतियाँ। भारत के इतिहास और विश्व पर्यटन में अपनी खास पहचान रखने वाले इस आगरा शहर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ होने के कारण आज का ये समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अजीत डोभाल जी ने उल्लेख किया, ये बात सच है कि हम लोग सेवा करते हुए, सामाजिक क्षेत्र हो या सार्वजनिक जीवन हो, काम करते करते काफ़ी आगे निकले हैं। लेकिन अभी जो आप सबकी पीढ़ी है, नवयुवकों की पीढ़ी है, नवयुवतियों की पीढ़ी है, आप सबको इस देश के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते कि आपका दिलो दिमाग इतना विशाल हो कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि स्काई इज द लिमिट। यह विश्वविद्यालय पिछले 90 वर्षों से उच्च शिक्षा में अपना निरंतर योगदान दे रहा है। आप में से बहुत से लोगों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आज़ादी के पहले लाहौर से कोलकाता तक अनेक राज्यों और यहाँ तक कि नेपाल के कुछ कुल 108 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। मुझे बताया गया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों समेत आज उत्तर प्रदेश के 1000 से अधिक महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इन सभी महाविद्यालयों में लगभग 7 लाख से भी अधिक
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यह विश्वविद्यालय केवल छात्रों की बड़ी संख्या के लिहाज से ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के छात्रों ने राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपनी अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। एकात्म मानववाद का महान दर्शन और अंत्योदय का न्यायपूर्ण आदर्श देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस विश्वविद्यालय ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह के रूप में हमारे देश को दो दो प्रधानमंत्री दिए हैं। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का मुकदमा लड़ने के लिए प्रसिद्ध तेज बहादुर सपरू से लेकर ओलंपिक स्तर के हॉकी खिलाड़ी श्री जगवीर सिंह तक इस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया है। मंच पर आसीन जिनका मैं अभी उल्लेख कर रहा था, श्री अजीत डोभाल जी भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। देश की सुरक्षा के लिए उनके योगदान के बारे में सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार यहाँ के विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली और लंबी सूची है, जिसमें से कुछ का ही मैंने उल्लेख किया है। मुझे भी, जैसा मैंने अभी आपके समक्ष निवेदन किया था, इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि इस देश में केवल यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ के विद्यार्थियों में से दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री और कई राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए हैं। मुझे विश्वास है कि भूतपूर्व छात्रों की यह प्रभावशाली परंपरा आपको विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले सभी भूतपूर्व छात्रों में आपको एक खासियत देखने को जरूर मिलेगी। उन सभी में अपनी क्षमता का विकास करने के साथ साथ देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा रहा है। यही जज्बा आज मानद उपाधि से सम्मानित डॉक्टर टेसी थॉमस में भी है, जो डीआरडीओ में पहली महिला मिशन डायरेक्टर के रूप में देश की सुरक्षा को अपना विशेष योगदान दे रही है। अपनी योग्यता को समाज और राष्ट्र के हित में लगाने का जो आदर्श डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने प्रस्तुत किया है, वो सभी के लिए अनुकरणीय है। मैं समझता हूँ कि सन 1995 में इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का नाम देने के पीछे आधुनिक भारत के निर्माण में उनके महान योगदान को मान्यता देने की सोच रही होगी। एक असाधारण विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर की चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक है। कहा जा सकता है कि वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से एक थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्वर्ण युग कहे जाने वाले समय में वहाँ पढ़ाई करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने विद्यार्थी के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और उनके रिसर्च गाइड प्रोफेसर एडविन सेलिकमन ने विश्वविद्यालय अर्थात कोलंबिया विश्वविद्यालय के सोविनार में लिखा था, मैं कोट करता हूँ उनका जो वाक्य था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यदि कोई छात्र पढ़ने आया है तो वी आर आम्बेडकर, और यदि अंतिम छात्र पढ़कर गया है तो वो भी था वी आर आम्बेडकर। मैं आशा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के छात्र डॉक्टर आम्बेडकर से प्रेरणा लेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर सदैव बढ़ते रहेंगे।
डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग गंभीर विषयों पर थीसिस लिखी थी। उन सभी की व्यापक सराहना हुई थी। संविधान सभा के सबसे अधिक विद्वान सदस्य के रूप में उनका लोग सम्मान करते थे, जबकि उस सभा के सदस्यों में अनेक उच्च कोटि के विद्वान भी मौजूद थे। शायद इसीलिए उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, करोड़ों भारतवासियों के जीवन को आधार देने वाला आधुनिक भारत का बुनियादी दस्तावेज यानी भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सोच को परिलक्षित करता है। इस प्रकार शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श है। किसी भी विश्वविद्यालय की बुनियाद उसके शिक्षक और छात्र होते हैं। चाणक्य जैसे शिक्षक ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से हमारे इतिहास का एक महान अध्याय लिखा था। हमारी सांस्कृतिक विरासत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए गुरु और शिष्य के बीच उसी तालमेल को फिर से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा तालमेल जीवन पर्यंत चल सकता है। यह दीक्षांत समारोह आपकी शिक्षा का अंत नहीं है। दीक्षा औपचारिक होती है, जिसमें किसी गुरु या संस्थान के साथ शिष्य का संबंध निश्चित किया जाता है, लेकिन शिक्षा कहीं से भी हो कभी भी प्राप्त की जा सकती है और आजीवन जारी रहती है। दीक्षांत समारोह आपकी जिम्मेदारी भरे जीवन की शुरुआत है। यह समारोह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों के सम्मान का अवसर तो है ही, साथ ही ये समाज और राष्ट्र के निर्माण में आप सभी युवाओं को के समर्पित होने का भी अवसर है। आज आपको औपचारिक शिक्षा की एक सीढ़ी चढ़ने के बाद उपाधि मिली है। अब आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करेंगे। कोई भी लक्ष्य अपने आप में ना छोटा होता है ना बड़ा, वह केवल एक लक्ष्य होता है। मेरी सलाह है कि आप जो भी लक्ष्य तय करें उसे पाने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ आप समाज के उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं जो आज आपसे पीछे रह गए हैं। आज आप जहां पर भी पहुंचे हैं, उस यात्रा में किसी न किसी रूप में बहुत से लोगों ने आपकी सहायता की है। आपके माता पिता, शिक्षकों, परिवार तथा समाज के अन्य लोगों और सरकार, इन सभी ने मिलकर आपको ऐसा अवसर दिया है जो हमारे समाज के करोड़ों लोगों को नहीं मिल पाया है। आपका यह कर्तव्य बनता है कि समाज सुखद अनुभव है और ये भारत के भविष्य की एक झलक हमारे सामने प्रस्तुत तो होती है, जिसमें ये है कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ता है। मैं आप सभी युवाओं से ये अपेक्षा, और ये केवल इसी विश्वविद्यालय की बात नहीं है, मुझे अन्य विश्वविद्यालयों में विजिटर या चांसलर की हैसियत से जाना का अवसर मिला, लेकिन इसके पूर्व जब मैं बिहार में भी था राज्यपाल के नाते, वहाँ पर भी जब मैं विश्वविद्यालय के कन्वोकेशंस में जाता था तो मुझे हर जगह यही स्थिति मिली, बेटियाँ हमारे बेटों से आगे बढ़ रही हैं। 2/3 जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2/3 यहाँ तक कि 3/4 बेटियाँ जो है वो गोल्ड मेडल लेकर के आगे बढ़ रही हैं, और ये एक बहुत बहुत अच्छी जो हमें झलक दिख रही है। मैं इसलिए बेटियों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं आप सभी युवाओं से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और संवेदनशीलता के साथ समाज और देश को अपना अहम योगदान देते रहेंगे। रक्षा विज्ञान में, या जिसको अंग्रेजी में समझना है तो मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस जी, अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, माननीय सांसद तथा विधायकगण, शिक्षक तथा अधिकारीगण, सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सुवर्ण छात्रा डॉक्टर मतकरा अपर्णा और अन्य छात्रगण, आमंत्रित अतिथिगण,
पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मेरा ये सौभाग्य है कि कुलाधिपति के नाते मैं आपके सामने देश के प्रथम नागरिक और जैसे आपके सामने चित्र आया ही है, इस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित छात्र माननीय राष्ट्रपति जी का इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वागत करने का भाग्य मुझे मिला है। मैं आज धन्य हो गया। राष्ट्रपति बनने के बाद उच्च शैक्षिक संस्थान में राष्ट्रपति जी को यह पहला अवसर है हमारे लिए कि वह इस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में आए हैं और ये उत्तर प्रदेश से ही गए हुए पहले राष्ट्रपति हैं। क्या स्वर्ण योग है, यहाँ के छात्र यहाँ के प्रदेश से यहाँ से ही गए हुए राष्ट्रपति और ऐसे माननीय राष्ट्रपति सादगी शालीनता क्या होती है यह देखना है, अनुभवना है। तो फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ही मिलना चाहिए, उनको देखने से भी ये सारे भाव अपने आप में आ जाते हैं। ऐसे आज मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह के अवसर पर उद्बोधन करने के लिए आए हैं और ऐसे कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ, ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे एक बात का उल्लेख तो मुझे करना ही चाहिए कि राष्ट्रपति जी का और मेरा भी काफी पुराना परिचय है। वह सांसद थे, तब मैं मंत्री था, फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं अनुशासन समिति का अध्यक्ष था, तो मेरे समिति में एक आप मान्यवर सदस्य थे और आज वह राष्ट्रपति है, मैं राज्यपाल हूँ और वो भी राज्यपाल थे। ऐसा एक संयोग शायद ही कभी इसके पहले आया होगा, ऐसा मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि उनका जो उद्बोधन होगा वह आप सबको, छात्रों को ही नहीं तो हम सबको प्रेरणादायी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। छात्रों के लिए मैं एक कहना चाहूँगा और हम सब जानते भी हैं कि हर विश्वविद्यालय में और इसलिए मैं छात्रों को आग्रह से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे पड़ाव पर आए हैं कि आपकी किताबी पढ़ाई समाप्त होगी। आज से 55 साल पहले एक 17-18 साल की उम्र में मैंने इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया था, क्राइस्टचर्च कॉलेज कानपुर में। उसके अगले 4 साल इस यूनिवर्सिटी में मैंने एक विद्यार्थी के रूप में बिताए, पहले बीए किया फिर एमए किया और उसके बाद क्योंकि मैं बाद में स्पोर्ट्स की वजह से मेरठ कॉलेज में चला गया था, वहीं पर मैं एक शिक्षक भी हो गया और मैं मेरठ कॉलेज में इकोनॉमिक्स का लेक्चरर बन गया और उसी साल फिर मुझे आईपीएस में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जब मैंने 5 साल के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ी तो मेरे साथ बहुत अच्छी यादें थी, बहुत अच्छे अनुभव थे, लेकिन एक बड़ा भारी वो भी था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा भी था, मैं उस कर्जे को लेकर चला था। उसके आगे के 55 साल की यात्रा इस कर्जे को चुकाने का एक प्रयास था। मैंने यहाँ के शिक्षकों से,
यहाँ के इंस्टीट्यूशन से, यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वो मेरे लिए एक बड़ी भारी संपत्ति थी जो मुझे दी गई, जो समय मेरे शिक्षकों ने, मेरे साथियों ने, मेरे उन लोगों ने मेरे साथ गुजारा। उनमें से एक घटना मुझे याद आती है, क्योंकि मैं एक अलग हॉस्टल में रहता था, उसमें स्पोर्ट्समैन के लिए था, सर सीताराम हॉस्टल था मेरठ कॉलेज के अंदर में, जो कॉलेज से बाहर था, जिसके चारों तरफ सिर्फ प्लेग्राउंड्स थे। वहाँ पर लड़कों को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया जाता। उन दिनों रुचि मेरी स्पोर्ट्स में अधिक थी और पढ़ाई में थोड़ा कम थी, बाद में हो गया। उन्होंने ये कहा था कि देखो, तुम लोगों को इस कॉलेज के अंदर में सबसे अच्छा ही नहीं होना है, यूनिवर्सिटी के अंदर में सबसे अच्छा होना है, इस उससे तुम अपने स्पोर्ट्स की तैयारियां करो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, जीवन में कितना ऊंचा जाओगे इसकी सीमा तुम्हारी स्पर्धा की ऊंचाई क्या है उस पर डिपेंड करेगी। अगर तुम विश्वविद्यालय नहीं, भारत के अच्छे सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हो या विश्व के सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हो, तो फिर तुम्हारा प्रोग्रेस कंटिन्यूअस होगा। आज भारत एक ऐसी नई ऊंचाइयों को गेन कर रहा है, एक ऐसे नए स्थान पर जा रहा है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। भारत की नई आकांक्षाएं, नई उमंगें, नई सपनों के साथ भारत आज अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर में अपने आप को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना चाहता है। और कोई भी राष्ट्र ग्लोबली कॉम्पिटिटिव केवल एक बात से बनता है, वो बनता है उसकी जनशक्ति से। और उस जनशक्ति को यदि कोई चीज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकती है, तो वह है उसकी शिक्षा, वह है ये विश्वविद्यालय। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे इस विश्वविद्यालय से ऐसे लोग, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे शिक्षक, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे वो लिटरेचर एंड आर्ट्स में हो, चाहे वो सुरक्षा के फील्ड में हो, वो देश को ऐसा नेतृत्व जो वर्ल्ड क्लास हो। क्या हम इस यूनिवर्सिटी को, हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नई आने वाली पीढ़ी है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे शिक्षक, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वर्ल्ड में बेस्ट हों, यही हमारा प्रारब्ध हो। और तभी हमारा वो प्रारब्ध हमें वो मिलेगा जिसके लिए कि हमारी सरकार, हमारा देश आज इतना संघर्ष कर रहा है। और आप लोगों के सामने, मेरे पास तो ना समय बची है ना शक्ति, लेकिन आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन के इस ऋण को चुकाने में गुजारेंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं की मेहनत से विश्वविद्यालय ने कई अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें माननीय कुलाधिपति का संरक्षण एवं आशीर्वाद है। पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए आगरा महानगर के धार्मिक स्थलों से जो फूल चढ़ने के बाद कचरे के रूप में जाते हैं। महोदय, कल विश्वविद्यालय ने डिस्टिलेशन प्लांट का उद्घाटन कराया है, चौथे स्थान पर रहा है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन करता हूँ कि विश्वविद्यालय में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन एवं विश्वविद्यालय परिवार की अनथक मेहनत है, जो विश्वविद्यालय के विकास में लेकर के अपना कथन समाप्त करने के पूर्व निवेदन करता हूँ, शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, मंगल कार्य में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो। विश्वविद्यालय आगरा के 83वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि सौम्यता की प्रतिमूर्ति, लोक संग्रह के धनी, प्रसन्न चित्त, निर्विवाद व्यक्तित्व, सांसद निधि की अधिकांश धनराशि शैक्षिक संस्थानों को देने वाले और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री रामनाथ जी कोविंद, माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लोगों को लोक संग्रह, लोक संपर्क
एवं लोक संस्कार का प्रशिक्षण दिया गया है के समक्ष मैं अपना व्रत निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।